हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि रेलवे के टीएसएस में जो सिंगल फेज सप्लाई होती है वो कहां से आती है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये रेलवे का टीएसएस है जो रेलवे को 25 KV सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं ये रेलवे का टीएसएस है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ये 25 KVA का ट्रांसफार्मर है जो रेलवे के टीएसएस में सिंगल फेज सप्लाई यूज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका नेम प्लेट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका नेम प्लेट कुछ इस तरह से है, आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। पहले ये लिखा हुआ है 25 KVA का ये ट्रांसफार्मर है जो HV साइड में 25,000 वोल्ट है और LV साइड में 240 वोल्ट है और इसमें टैपिंग भी है। तो मैं आपको टैपिंग भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं ये टैपिंग है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है लिखा हुआ है। ये तो आप HV साइड देख लिए, ये HV साइड है, जो बुशिंग है वो HV साइड है। इसमें 25 KV सप्लाई को दिया जाएगा और इसका LV जो साइड है वो इधर है, ये पैक है। ये कहाँ पे लगता है इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से लगा हुआ है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमारा। और ये सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर है ये पावर ट्रांसफार्मर के LV साइड में लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं और इसका सेकेंडरी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं सेकेंडरी में केबल है और ये केबल ACDB में कहाँ लगा हुआ है हम आपको ये भी दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 25 KVA का सेकेंडरी केबल कहाँ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये ACDB में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है ACDB 220 KV TSS। ये जो TSS है वो 220 KV का है और ये ACDB का फुल फॉर्म है AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब हमारा जो AC सप्लाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 KVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 2 लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे ON1 और ON2 लिखा हुआ है। 25 KVA का 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैकअप के लिए लगाया गया है। अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा किसी कारणवश ख़राब हो जाता है तो दूसरे से हमारा सिंगल फेज सप्लाई चालू रहे, इसलिए लगाया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 25 KVA का सेकेंडरी केबल कहाँ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 25 KVA का सेकेंडरी जो टर्मिनल था केबल वो कुछ इस तरह से कनेक्ट है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से कनेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेलवे के TSS में सिंगल फेज सप्लाई कहाँ से लिया जाता है। तो गाइस, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ यू।